बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पसे पर्दा सच ऑफिशियल निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान पेड हो गया, बहुत फ्रस्ट्रेशन में मैं हूँ इमरान के साबका किरदार के हवाले से, बहुत शदीद। कोई रास्ता नहीं किधर चाहिए, फिर यही जहर खानी ना, भूख लगी है तो फिर तो सुअर भी हलाल हो जाता है। अच्छा जी, बात ये करनी, ब्रेकिंग न्यूज़ तो देनी, इसके साथ एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है आपका दिल पिशोरी करने के लिए, जिसके पास टाइम है तो देख लेना। और जो लोग कहते ताज़ा तरीन तबसरा करो मुल्क के हालात के ऊपर, पॉलिटिक्स अपडेट, वो इसके बाद आएगा। और जिनके पास टाइम है तो सुन लीजिएगा, नहीं तो फिर आप जिस तरह चाहते हैं। 24 घंटे में एक मेरा क्लिप है, 16 लोगों ने सिर्फ देखा। चलो जी, उनकी मर्जी है, छाट के किसी मुझे 2 ऑफरें हैं, 2 1 नहीं 2000 देंगे कि आप इधर हमारी भोंका भांकी किया करो तो आपको पैसे देंगे। एक ने 15,000 कहा, वो मखदूम फलाना, उसका ग्रुप है, गायक फैसल तारड़ भी उसका है, फिर साजिद गोंदल भी उसका है, PTI को सपोर्ट करता है। तो हम तो फिर कैद में कैदो बंद की सोफते हम बर्दाश्त नहीं करते, वो कहाँ को चिट्टा कहने वाले हैं, खान की फेवर करते हैं। एक और ग्रुप है, 25,000 देंगे, 3 क्लिप डेली। तो कहते नौकरी नौकरी छड़ साढ़िया, वो पटवारियों का है। मैं कहने यार कह दो बंद नहीं, मैंने पैसे चाहिए थे, अल्लाह ताला का शुक्र है। 4 बंदों को दे के कहते अभी 1 मिनट पहले किसी का बिल जमा करवाया, पैसे ट्रांसफ़र करके वो पिछले एरिया आने शुरू हो गए। वो बेवा भी है और बेचारी क्या है, उसकी बेटी भी अभी फौत हुई है, फिर इनके 40वें तो पता नहीं केड़े केड़े, ना नबी ने किया ना खुलवाए राजदीन ने किया, ऐ साता दासा सोहेम कुल 40वां बरसी, ऐ पता नहीं कितों लै आंदी है, जाओ तुहाडा तुहानू बतखा वडन। जब नबी ने, मैं मानता हूँ यार रसूल अल्लाह कहते हैं, लेकिन जब नबी ने किया तो हम करेंगे, खुलफाए राजदीन ने किया तो हम करेंगे, बाकी बड़ो मर गया मरदूत नकल माना दरूद। ये भाभी हमारे बारे में कहते मर गया मरदूत नकल माना दरूद। अच्छा जी, बात हम बात किधर से किधर चली गई, लटका लो अदर। मरियम बुला बुला के सेक्रेटरियों को, DPO को, SSPO को, DCO को अपने जाति उम्रें बुलाती, रोटी खवाती, और जो साहब 5 करोड़ रह गया था ना, 10 करोड़ की पेट्रोल में दिहाड़ी लगी थी ना मरियम की, 5 करोड़ जलसे पे चला गया साहब ने, फिर 5 करोड़ बेचारी को फिर साके डॉलर ने भेज दिया, उसमें से किसी को 25 लाख, किसी को क्या, किसी को 10 लाख, किसी को इस तरह बांट रही है बेचारी, कर्मादी मारी। अच्छा जी, इंटरव्यू करिए दायित देरी बुला रही थी सेक्रेटरियों को, कोई 20वें ग्रेड था, कोई 21वें का, 22वें का भी। चीफ सेक्रेटरी जब चला गया तो उससे बड़ी क्या चीज़ होगी, एक बंदे को बुला ली, हमारे बंदे को उसने बुला लिया, बड़ा मेहनती, बड़ी साफ सुथरी है उसकी सर्विस, अगीर पर बंदे का बता देंगे आपको। उसको जब उसने कहा ना दफ्तर में, ये कुतियां बिल्लियां जो बाजारी औरतें ही ना पटते, जो आजमा बुखारी थे और पता नहीं केड़ियाँ केड़ियाँ जो उधर बैठी हुई, हैंडी इधर रख दो जी, हैंडी इधर रख दो। उनके जी क्यों हैंडी इधर रख दो, नहीं जी आर्डर हैगा। उनके जी मैं गाड़ी में रख के आता हूँ, मैं गाड़ी शाह हैगा पूरे दिन आधा शाह, मैं गाड़ी में रख के आता हूँ। अच्छा जी चलो ठीक है, यहाँ महफूज है, महफूज है। उनके नहीं 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 मैं गाड़ी में रख के आता हूँ, गाड़ी में रखने का उधर से भाग गया, वो इंतज़ार कर रही मलका रानी, इंतज़ार कर रही, नहीं मज़ा आप। 2 ब्रेकिंग न्यूज़ें दी हैं, 5 करोड़ आ गया कि कोई और देता, अजीब गरीब है भी आप भी। चलो फिर अगे फिर सुन लो, अरे नाल ही तीसरी चीज, टेलीफोन गया वजीर आला को, ये क्या था बंदा, फलाना, ये क्या आपने क्या था, ये इस तरह कर गया, इसको फौरन सस्पेंड करो, इसको फौरन घर भेजो, इसकी फाइल मुझे भेजो, इसकी ये उसके। अच्छा जी, उसने चीफ सेक्रेटरी को कहा, चीफ सेक्रेटरी ने टेलीफोन किया। अच्छा जी, शाह को पता था मैं रख के आया हूँ दुम के ऊपर पाओ, तो कुछ होना है ना। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, वो बुलाया था
बेगम साहब आने तो आप गए नहीं, बीबी ने बुलाया था, कहा जी मैं गया था, उन्होंने कहा जी हैंडी घर में, हैंडी क्या करना था, आप बताओ मेरे पास कोई भी, आप ऑफिशियल काम लेके आओ, वो उधर भी बुला रही है, एक तो इलीगल, ऊपर से हैंडी बाहर रख दो, हमारी फिल्में बनाई जाए, हम ना किसी का कुछ टेप कर सकें, है नहीं होना। ओ यार थोड़ी पता भी रहता है, बस हैं जी यार नौकरी जो करनी, नौकरी की तो नखरा की तो वगैरह, उनका तुम कर लो, उन पूछ लो की काम है गया, तो तुम कह मैं दस देना, लीगल होया तो एक लत खड़ा होकर करांगा, इलीगल होया तुम पुठे भी हो जाओगे तो नहीं करांगा। वो फिर उसने जाके कुरेदा कुरेदा ही किया, लोगों यही कह रही बताओ किस तरह करोगे, फलाना तो महकमा नहार से तो महकमा पॉपुलेशन से तो महकमा जंगलात से बंदे लेने तो क्या करेंगे, तो वो इलेक्शन की तैयारी फुल कर रही है। अच्छा जी फिर क्या था, एक याद आ गया, जड़ी जड़ी फिल्म कह रहे हो दूसरे एंडिंग में पड़ी, क्या यार तुम्हारा गरीबी दावा हम करते हैं। उसके बाद इस आगडार का टेलीफोन आया, मैंने कहा यार उधर बुलाया था तो ये बदतमीजी आपको, मैनेज नहीं है बुलाना तो टमकाना जिस तरह कहते हैं। मैंने कहा जी डार साहब एक तो ट्यून ठीक करें, और मेरा बॉस चीफ सेक्रेटरी है, आप नहीं हैं, उसको कहो उसने मेरे साथ बात हो चुकी है, और उससे जो बात हो चुकी है मैंने टेप कर ली है, और आज मैं जा रहा हूँ हाफिज साहब को मिलने गेट नंबर 4 पे जहाँ से आप लोग जाते हैं। हाँ किसने कहा मैं जाता हूँ जी। मैंने कहा डार साहब आप जिस तरह है मेरे से कोई दाइयाँ को ढेडे लुके होंगे। डार फोन बंद कर गया, ये चौथी उसके साथ ब्रेकिंग न्यूज है। अच्छा जी ये भी बात हो गई, उसके बाद क्या किया जी, वजीर आला साहब उसके डिपार्टमेंट में चले गए, वो डिपार्टमेंट में गए तो 6:45 गया था, 6 उसने लाइटें बंद की, अच्छा जी 6:00 टाइम ख़त्म हो गया, कोई काम हो तो बता, लिख के भेज दिया करो चीफ सेक्रेटरी साहब को भेज दिया करो, वो तिल मिल करे मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। उन्होंने कहा मैं सारी ये भी आपकी जो धमकी दी ना ये टेबल के मैं चीफ जस्टिस को भेजूंगा, और अभी मैं मीडिया को ये लीक कर रहा हूँ। पेड़ हो गए पूरे पेड़ हो गए, इसी वजह से कहते किसी का कहना बंदा ना हो, ये दिलेर था ना शाह का पुत्र, तो फिर था ये बंदा था जी आफ्ताब शाह से जो छोटा भाई था ना मेरा जी अगर जाना हम प्याला हमने वाला एक साइकिल पर सवारी करने आफ्ताब शाह, ये उसका साला था। अब तक तो कैसी ऐसी कोई खबर नहीं देगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें फॉरवर्ड करें, और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री देखनी हो तो देख लेना, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पसे पर्दा सच ऑफिशियल और निगेबान पाकिस्तान, ये आपको ये दिखा रहे हैं जी, ये बिजली की बाड़ होती है ये वाली, इस ये छोटा सा वाड़ा है, इसके अंदर मालिक कभी हिरन का बच्चा ले आता है महीना के रखता है तो फिर उसको वापस दे आता है, कभी सुअर का बच्चे ले आता है, कभी मुर्गियों के बच्चे ले आता है, और ये बिजली की ऐसी तारें हैं इसको कभी नहीं हुआ कि इसमें जानवर ने इसको फलांदने की कोशिश की हो, ये बमुश्किल 4 फुट ऊंची है आप ये देख सकते हैं, और जो हमारे इधर कुत्ते हैं ढेर सारे कुत्ते रखे हुए हैं वो भी उधर को नहीं जाते, वरना मुर्गी शुर्गियों के साथ खेलने कूदने के लिए होते हैं, ये इनके ये वो खुराक के था। आज वो ज़ू वाले आए, ज़ू चिड़ियाघर वाले, तो उनको जनाब से यहाँ से सुअर के बच्चे उठवाए हैं, वो ले गए हैं छोटे छोटे ही ले आया था, तो इनको पालता है उसके बाद ज़्यादा बस हॉबी होता है ना शौक़ होता है, तो ये मैंने आपको दिखाना था, ये एक होता है झटका देता है, एक दफ़ा ही मुझे पड़ा था तो मैंने कहा ये मुझसे तो ये जानवर ही अच्छे, मुर्गी के लिए गाय भैंस बकरा सुअर और ये कुत्ते और गिद्दड़ और बारासिंगा और ये आगे भैंस कट्टा घोड़ा, ये सारी चीज़ें जो है ना इनमें कभी हुआ नहीं, जो एक साल में मैंने देखा कि कोई किसी को झटका शायद लगा हुआ हो कभी, पर इसके करीब भी नहीं फटकते, ये अल्लाह ताला ने उनको सेंस दी हुई है, छठी हिस्स दी हुई है, तो यहाँ वही ये वाड़ा सन का छोटा सा बनाया हुआ है, तकरीबन ये होगा जितना मरियम का जलसा लंबा था ना 120 कदम इतना ही लंबा होएगा, बस शौक है, शौक दे मुल्क कोई नहीं, ये मालिक का शौक है,
आप देख रहे हैं पसे पर्दा सच ऑफिशियल और निगेबान पाकिस्तान।